नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 28, 29, 30 और 31 मार्च के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बेहद खुशी भी हो रही है कि एक नया मोटिवेशनल चैनल हमने शुरू किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल पर क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें और उसे अपना उतना ही सहयोग और प्यार दें जितना आपने इस चैनल को दिया है। 11वीं राशि लेते हैं, कुंभ यानी एक्वेरियस। 28 तारीख को आप किसी ऐसी दुविधा में, ऐसी समस्या में घिर सकते हैं जो आपने खुद बुलाई हो। आप अपनी वाणी पर यदि नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके मुंह से अनायास ही कुछ ऐसा निकल जाएगा जो वापस नहीं लिया जा सकेगा, और जो आपको और आपके प्यारों को, जिनको आप प्यार करते हैं, उन्हें बहुत चुभेगा। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने बारे में कोई रहस्यपूर्ण चीज किसी को ना बताएं। अब जैसे कि इस समय लॉकडाउन है, आप लोग खाली बैठे होंगे, तो घर में बातचीत के दौरान अपने सीक्रेट्स को उजागर करने से बचें, दूसरों के ज्यादा सुने, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। 29 तारीख के दिन आप थोड़ा सा निराशा का अनुभव कर सकते हैं, जब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में आप और कुछ भी कर सकते थे वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अलावा, लेकिन ये सब आपके दिमाग का वहम है। थोड़ा सा आप पैनिक हो सकते हैं इस दिन, इसलिए अपने आप को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो पैनिकनेस से बच जाएंगे। आप कोशिश करें कि आप अपनी उपलब्धियों को, अपनी अच्छाइयों को देखें, ना कि अपनी कमियों को। 30 तारीख के दिन आप किसी रिलेटिव से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई एक विषय जिस पर आपने उस रिलेटिव के साथ पहले कभी बातचीत नहीं की थी, आपकी बातचीत हो सकती है। इस बातचीत के विषय पर आप काफ़ी ज़्यादा सशंकित रहे होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहे होंगे पहले, लेकिन जब आपकी बातचीत शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि ये उतना मुश्किल भी नहीं था। इस दिन स्वास्थ्य लाभ की भी आपके चांसेस बना हुआ है और साथ ही साथ परिवार में कुछ रोमांचक होने का भी चांसेस बना हुआ है। कोशिश करिएगा कि परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य, जिनकी ये 40 साल से ज़्यादा है, 40 साल से ज़्यादा वालों को मैं बुजुर्ग नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, और दूसरी बात कह रहा हूँ जो 40 साल से ज़्यादा हैं और 60 के बीच में हैं। तो अब आप बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन फिर भी 40 से ज़्यादा वालों के हेल्थ पर थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। 31 मार्च के दिन बड़े सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहेंगे। इस खुश मिजाजी के चलते आप कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, इसलिए स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अगर आपने कोई निर्णय लिया है और उसे नहीं बताना चाहते तो उसके लिए अपने आप को दोष भी मत दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहें कि अरे मैंने ये डिसीजन लिया, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रही हूँ और अब मैं इस पर क्या करूँ। तो अपने आप को परेशान करने की बजाय आप ये सोचिए, वन लाइन में सोचिए कि आपको ये डिसीजन आगे बताना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो मामले को ख़त्म करिए, और अगर हाँ तो बता करके छुट्टी करिए। चीज़ों में और सिचुएशंस में जितना ज़्यादा आप सोचना शुरू करेंगे 31 तारीख को, उतना परेशान होंगे। इसलिए ज़्यादा सोचने की बजाय काम करने पर फोकस करिए, ये फायदेमंद होगा। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए 28, 29, 30 अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शादीशुदा लोगों के लिए खराब है, बस आप अपने सीक्रेट्स ना बताएं। अब जो मैंने ये कहा कि आप अपने सीक्रेट ना बताएं, तो वे लोग जिनके शादीशुदा साथी कुंभ राशि के हैं, यानी आपकी पत्नी या आपका पति कुंभ राशि का है, लेकिन आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये उनकी राशि से जुड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनका कोई एक्चुअली में कोई रिलेशन अदरवाइज है या कोई सीक्रेट है। कुंभ राशि के कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन आ सकती है, तो आप इसको अन्यथा में ना समझें। प्रेम संबंधों के लिए सबसे बढ़िया दिन 31 तारीख है। व्यापार की दृष्टि से 28 और 30 अच्छे नहीं हैं, 29 और 31 बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 28, 29, 30 और 31 मार्च के लिए। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।